यूपी में बीजेपी पिछड़ी लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम। केसरगंज में बेटे करण की हुई जीत। उत्तर प्रदेश के गोंडा की केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह की जीत की खबर है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। केसरगंज सीट यूपी की चर्चित सीटों में गिनी जाती है और बीजेपी ने इस सीट पर WFI के पूर्व चीफ और केसरगंज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया था। इंडिया की बनी सरकार तो इस दल से ही होगा पीएम, शिवसेना नेता ने नाम भी बताया, जानिए क्या कहा। शिवसेना भी विपक्ष के इंडिया अलायंस का हिस्सा है। पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत ने चुनावी नतीजों से पहले गठजोड़ के पीएम चेहरे को लेकर टिप्पणी की है। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों के बीच शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बता दिया कि इंडिया अलायंस की ओर से कौन सा नेता पीएम पद का उम्मीदवार हो सकता है। अमेठी के जिस विधानसभा सीट से मतदाता हैं स्मृति ईरानी, वही हार गई चुनाव। मिले सिर्फ 75,048 वोट। भयंकर गर्मी के बीच लगातार अमेठी का तापमान बढ़ता गया। लोकसभा सीट अमेठी की मतगणना समाप्त हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार प्रत्याशी बनाई गई केंद्रीय मंत्री व अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी 1,66,022 मतों से चुनाव हार गई। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज कर एक बार फिर से अमेठी में गांधी परिवार की खोई हुई गरिमा को ससम्मान वापस लौटा दिया है। बीजेपी के काम नहीं आए धनंजय सिंह, बेकार हो गई सारी रणनीति। जौनपुर और मछली शहर में सपा जीत की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए जब जौनपुर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने कथित तौर पर अपनी प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया। हालांकि बसपा के नेताओं का दावा है कि श्रीकला के पति धनंजय सिंह ने फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और दावा किया कि वह जिसे चाहेंगे सांसद वही बनेगा। पीएम पद के ऑफर पर भी इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान। देश में मंगलवार को आए नतीजों से साफ है कि देश में एनडीए की एक बार फिर सरकार बनेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के जुगाड़ में क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क साधने में जुट गया है। इसे लेकर बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन में जेडीयू नहीं जाएगी। पीएम पद के ऑफर मिलने पर भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। चिराग पासवान हाजीपुर से जीते, सीएम नीतीश से कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क पर दिया क्लियर कट जवाब। जमुई से सांसद रहे एलजेपी के चीफ चिराग पासवान ने इस बार हाजीपुर से चुनाव जीत लिया है। चिराग पासवान ने कहा कि यह जीत उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी जीत है। मंगलवार को चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद प्रदर्शन और बेहतर होगा। दिल्ली में कांग्रेस ने स्वीकारी हार, कहा जनादेश का सम्मान, जारी रहेगी संघर्ष की लड़ाई। लोकसभा चुनाव का परिणाम लगभग साफ हो चुका है और एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि बीजेपी को इस बार बड़ा झटका यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिला है, जिस कारण बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करने में असफल होती हुई दिख रही है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिल्ली की सभी 7 सीटों समेत इस लोकसभा चुनाव में संभावित हार के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में खुशी का माहौल है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे शरद पवार की जीत पर रामदास अठावले बोले, लोगों को लगा कि बीजेपी ने तोड़ा, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पसंद किया है, ये बाकी भी राज्यों में हुआ होगा। लोगों को लगा कि बीजेपी ने उनको यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताया है। कंगना रनौत जीती हार के बाद विक्रमादित्य सिंह की पहली प्रतिक्रिया, मैं नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी और सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शिकस्त दे दी। विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच वोट का फासला 74,755 का है। बड़ी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को जीत की बधाई दी है। हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी ने गाड़ा झंडा, 5वीं बार जीत की दर्ज। माधवी लता को 3,00,000 वोटों से दी पटकनी। तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने 5वीं बार जीत हासिल की।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को 3,38,000 वोटों से हरा दिया। हालांकि माधवी लता के उतरने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया था, मगर क्षेत्र की जनता ने बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को नकार दिया।